अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। वायरल फैल रहा है और वायरल से बचिए। मुझे पूरा एक महीना हो गया है जो मेरा वायरल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, चला जाता है वापस आ जाता है। आज फिर से मेरे गले में हरकत हो रही है, तो पूरा ना ज़ुकाम जैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर भी मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं बना रही हूँ आज पनीर लेकिन मटर पनीर, और कुछ अलग तरीके से तो नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही बना रही हूँ। टमाटर का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट बना लेती थी पहले ऐसे ही, इस बार ना मैंने टमाटर प्याज और लहसुन ना पहले मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई किया है, फ्राई करने के बाद में फिर मैंने उसे निकाला है, फिर मैंने उसको ग्राइंड किया है मिक्सर में। ग्राइंड करने के बाद में फिर मैंने उसे मसाला भुना, मसाला भुन गया था, मसाले में थोड़ी सी हल्दी, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और साबुत लाल मिर्ची, वो सब मैंने ऐड किया। मसाला भुन गया था, मैंने मटर डाल दिया और पनीर को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम खा रही हूँ तो मना किया डॉक्टर ने ऑयल खाने के लिए, इसलिए मैं ऑयल बहुत कम खा रही हूँ, तो मैं इसमें ना ऐड कर रही हूँ पनीर भी। मटर को मैंने दो सीटी लगा ली, एक सीटी लगा ली थी, और ये सफल मटर होती है ना, ये अच्छे से गल जाती है, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया पनीर और इसमें नमक वगैरह सब मैंने ऐड कर दिया अच्छे से। मेरा कैमरा थोड़ा नीचे हो रहा था, फ़ोन दिख नहीं रहा था, तो चलिए मैं क्लोज़ ला के दिखा देती हूँ आपको। तो ये मेरा मटर पनीर तैयार है, और ऐसा नहीं है कि ये दस मिनट में 15 मिनट नहीं, पूरी चालीस मिनट लगते हैं इसको बनाने में, भूनने में, सारी चीज़ें करने में। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।